क्लास फोर्थ एंड चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज वन ऑन पेज नंबर 19. नेम टू एनिमल्स दैट जो कि करते हैं, मतलब टू एनिमल्स का नाम आपको लिखना है ना. तो फर्स्ट कौन से एनिमल्स हैं? मूव इन ग्रुप्स. जो कि ग्रुप्स में ही रहते हैं, चलते हैं, ठीक है. सो ऐसे कौन से एनिमल है, ये क्या लिख दिया? युविका, लायंस तो ठीक है. चलिए फर्स्ट लिखिए आप लायन. ठीक है, और बताइए मुझे, ज़ेब्रा भी होता है या नहीं होता? तो चलिए सेकंड नंबर लिखिए. फर्स्ट नंबर पर तो ये लिखना, सेकंड नंबर पर लिखेंगे हम ज़ेब्रास. ओके, एंड यू कैन राइट वुल्व्स आल्सो इफ यू वांट टू राइट दे कैन. सो यू कैन राइट दिस आल्सो. ठीक है, सो वी हैव रिटन थ्री. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन बी. बी क्या है बेटा? आर शाय बाय नेचर, शर्मीले एनिमल कौन से होते हैं? शर्मीले एनिमल जो कि जल्दी से किसी के सामने आना पसंद नहीं करते हैं. सो ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं बताइए? वे होते हैं रैबिट्स, ठीक है, और स्क्वायर्स. ठीक है, और भी होते हैं क्या? मंकीज भी ऐसे होते हैं, लेकिन आजकल मंकी ज़्यादा शाई नेचर के रहे नहीं हैं. आजकल वो हमारे घरों में ही आने लग गए हैं ना, तो उनको रहने दीजिए. चलो लिखो रैबिट्स, स्क्वायर्स. ठीक है, चलिए अब सी देखो. सी में क्या है? आर प्लेफुल, प्लेफुल एनिमल्स. प्लेफुल एनिमल्स कौन से हो सकते हैं? कैट एंड डॉग. है ना?
जो हमारे साथ रहना खेलना पसंद करते हैं। काउज भी हो सकती है ना, कैट भी हो सकती है, डॉग भी हो सकता है। चलिए डी लिखिए। हम हैव बिग ईयर्स। हैव बिग ईयर्स। बिग ईयर्स वाले एनिमल्स बताइए फटाफट मुझे, कौन कौन से होते हैं? एलिफेंट, वेरी गुड। डोंकी, वेरी गुड। एलिफेंट्स एंड डोंकी। फॉक्सेस, फॉक्स से ज्यादा बड़े तो डोंकी के ही होते हैं। ठीक है, लिखो ये फटाफट, फिनिश करिए, देन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन आंसर ही है, बताया था ना मैंने आपको, पेज नंबर 19 पर। ऑन पेज नंबर 19 आपको नहीं पता ये एक एक्सरसाइज छूट गई है हमारी। हैव यू डन बेटा? चलिए शैल वी स्टार्ट न्यू चैप्टर। कैमरा ठीक करो। कैमरे को क्या हो गया बेटा? आप अपने कैमरे को ठीक करो। क्या हो गया बेटा युविका? वोल्फ मीन्स क्या होता है? कनिका, कनिका बेटा, वोल्फ सुना है आपने? मतलब भेड़िया। वोल्फ मतलब होता है भेड़िया, और इस वोल्फ का प्लूरल होता है वोल्व्स। ठीक है कनिका, इज इट क्लियर? क्लियर हो गया क्या बेटा? कौन सा बोर्ड हाफ आ रहा है बेटा? नीचे से दिख रहा है? कहां से नहीं दिख रहा? अब ठीक है? अब दिख रहा है बेटा आपको?
जल्दी से कर लीजिए, हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओपन पेज नंबर 20, चैप्टर नंबर 4, शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया लिखने के लिए। ठीक है बेटा, शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स यानी कि एनिमल्स के रहने की जगह। शेल्टर होता है आश्रय, ठीक है, रहने की जगह। हैव यू ओपन योर बुक? बुक ओपन हो गई आप लोगों की? अब बुक में ध्यान दीजिए बेटा। एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या है हमारी? एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर मीन्स एनिमल जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। सही बात है ना, हर जगह पाए जाते हैं। दे लिव ऑन लैंड एंड इन वॉटर और नियर द सी शोर, ठीक है। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? लैंड पर यानी कि जमीन पर, और कहाँ पाए जाते हैं? वॉटर में। आवाज नहीं आ रही बेटा, अरे यार माइक ऑफ कर रखा है। अब ठीक है, अब आ रही आवाज मेरी? आ रही है मेरी आवाज? चलिए शुरू करते हैं, फिर से शुरू करना पड़ेगा ना। चलिए, शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स यानी कि एनिमल्स के रहने की जगह, ठीक है। शेल्टर होता है आश्रय यानी कि रहने की जगह, है ना। आई होप यू ऑल हैव ओपन द पेज नंबर 20, चैप्टर नंबर 4। शैल वी स्टार्ट नाउ बेटा? एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर मीन्स एनिमल्स हर जगह पाए जाते हैं। एवरीवेयर मीन्स हर जगह, ठीक है। दे लिव ऑन लैंड एंड इन वॉटर, वो लैंड पे भी रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, और नियर द सी शोर। अब ये सी शोर क्या होता है बेटा? मीन्स समुद्र तट। क्या होता है? समुद्र का किनारा, ठीक है। वहां पर भी एनिमल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स टू नीड शेल्टर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व। अब एनिमल्स को जरूरत होती है किसकी? शेल्टर की। अपने लिए एक जगह चाहिए उसको रहने के लिए, ताकि वो खुद को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके अपने आप को। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स। अब अलग अलग तरीके के जो एनिमल होते हैं वो अलग अलग तरीके के, उनके पास क्या होते हैं? शेल्टर्स होते हैं, उनके पास रहने की अलग अलग जगह होती है। सही है ना। Let read about the shelters of some animals. अब हम कुछ animals के लिए जो shelter की जगह है उसके बारे में अब read करेंगे, ठीक है। तो पहले firstly, nest of birds is given, ठीक है, यानी कि birds का nest, उसके बारे में क्या है? Other than human beings, यानी कि इंसानों के अलावा, ह्यूमन बीइंग्स के अलावा। डिंपल, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? आर यू लिसनिंग? फर्स्ट लिसन प्रॉपर। व्हाइल रीडिंग एंड स्टडिंग यू शुड सिट प्रॉपरली। अदर देन ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों के अलावा, बर्ड्स आर द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स।
एनिमल्स का बहुत बड़ा ग्रुप होता है बर्ड्स का, जो कि क्या करता है, दैट मेक शेल्टर्स फॉर देमसेल्फ, जो कि अपने खुद के लिए घर बनाता है, रहने की जगह बनाता है। फर्स्ट नंबर पे तो इंसान है जो अपने लिए रहने का जगह बनाता है, और सेकंड नंबर पे आते हैं बर्ड्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, जो कि अपने लिए शेल्टर का निर्माण करता है। ठीक है बेटा, मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू लिव इन। अब बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो रहने के लिए क्या बनाते हैं, नेस्ट बनाएंगे, नेस्ट बनाते हैं। दे ले देयर एग्स एंड टेक केयर ऑफ द यंग वंस। अब वे क्या करते हैं, अपने एग देते हैं, उसमें अंडे देते हैं, अपने घोंसलों में, अपने नेस्ट में अंडे देते हैं, और उनको अपने यंग वंस की, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, परवाह करते हैं। ठीक है, द नेस्ट आर यूजली बिल्ट एट हाई एंड हिडन प्लेसेस। अब जो उनके घोंसले होते हैं, जो उनके नेस्ट होते हैं, वो कुछ हाई प्लेस पर बने हुए होते हैं, और जहाँ उनके घोंसले होते हैं वो जगह मोस्टली छुपी हुई होती है। ठीक है, इजीली फाइंड नहीं हो सकती है। Why? To protect themselves from their enemies and weather also. ठीक है, Like trees and holes in walls, जैसे कि ऊंचाई पर ट्री पर होता है, या किसी होल में, है ना, किसी छेद में, किसी दीवार के किसी छेद में वो अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, Birds build nest वेयर दे आर सेफ फ्रॉम देयर एनिमीज एंड द वेदर। बर्ड्स बेटा घोंसले वहाँ बनाते हैं जहाँ पर वो अपने एनिमीज से, अपने दुश्मनों से सेफ रह सकें, और साथ ही साथ वेदर भी उन पर इफेक्ट ना डाल सकें। ठीक है, वहाँ पर वो अपना घोंसला बनाते हैं। बर्ड्स यूज अ नंबर ऑफ मटीरियल्स लाइक, और बर्ड्स अपना घोंसला बनाने के लिए बहुत सारे सामान यूज करते हैं। अब वो कौन कौन सा सामान यूज करते हैं, लेट्स सी। नंबर वन, ग्रास। ग्रास क्या होती है बेटा, घास। ठीक है, लीव्स। लीव्स क्या होती हैं, पत्तियां। देन ट्रिंक्स, यानी कि टहनियां, पेड़ों की छोटी छोटी टहनियां होती हैं। एंड फेदर्स, पंख, टू बिल्ड नेस्ट। ठीक है, तो नेस्ट बनाने के लिए उनको इतने सारे मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दैट आर सॉफ्ट एंड वार्म, जो कि उनके लिए सॉफ्ट होते हैं और नरम और गर्म होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो बर्ड्स अपने लिए ये सारी चीजें कहीं से कलेक्ट करके लाते हैं और अपना बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, ताकि जो उनका नेस्ट है वो रहे वार्म एंड सॉफ्ट। ठीक है, अब देखते हैं बेटा सम एग्जांपल ऑफ नेस्ट। अब नेस्ट के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें। द पेंगुइन सिंपली कलेक्ट्स अ फ्यू पेबल्स एंड स्टोन्स टू मेक अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड। पेंगुइन देखी आपने, नहीं देखी होगी बट टीवी में तो देखी होगी ना, हैव यू सीन पेंगुइन। डिम्पल ने देखी है, सबने देखी है, टीवी में तो देखी है ना। तो पेंगुइन क्या करती है बेटा, वो छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करती है। पेबल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं, उनको इकट्ठा करती है टू मेक अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे ही अपना नेस्ट बनाती है। ठीक है, उन पेबल्स की हेल्प लेकर के बनाती है। अभी कोई राइट कर रहा है क्या जो मैम साइड लिख रहे हैं, रक्षित, व्हाट डू यू वांट बेटा। ठीक है, अब देखो, द वुड पेकर पेक्स अ ट्री ट्रंक विद इट्स बीक टू मेक अ होल। अब वुड पेकर देखा है बेटा किसी ने, वुड पेकर क्या होता है,
कठफोड़ा। क्या होता है? कठफोड़ा, जो कि पेड़ का जो ट्रंक होता है। आवाज नहीं आ रही है बेटा, कैसे नहीं आ रही आवाज? किसने किया ये? अब आ रही है बेटा मेरी आवाज? कब से नहीं आ रही थी बेटा? अच्छा, ये नेस्ट एग्जाम्पल देखिए, नेस्ट के एग्जाम्पल। पैगविन सुना आपने? पैगविन क्या करता है? पैगविन जो होता है बर्ड, वो पेबल्स कलेक्ट करता है अपना नेस्ट बनाने के लिए, और वो ग्राउंड में ही अपना नेस्ट बनाता है। ठीक है बेटा। वुड पेकर क्या होता है? एक बर्ड होता है। देख, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वुड पेकर हेयर। देख रहे हैं आप बुक में? बुक में देखिए, ये है कठफोड़ा। ठीक है बेटा। और ये पेड़ का जो तना होता है, उसमें ऐसे टक टक करके और अपना घोंसला बना लेता है, है ना? द वुड पेकर पैक्स अ ट्री ट्रंक विद इट्स बीक टू मेक अ होल। वुड पेकर एक ट्रंक क्या होता है? पेड़ का तना। पेड़ के तने में अपना नेस्ट बनाने के लिए अपनी बीक से, चोंच से क्या करता है? ऐसे पैक्स करता है, मतलब मारता है उसको, और फिर क्या करता है? इससे उस एक होल बना लेता है, उस ट्रंक में एक होल बना लेता है। टू मेक इट कोजी, इसको आरामदायक बनाने के लिए। कोजी मीन्स इसको आरामदायक बनाने के लिए। इट फील्स द होल विद चिप्स ऑफ वुड। ये शी बेटा यहाँ गलत लिखा हुआ है, शी नहीं आएगा यहाँ पे, द आएगा, इसको THE कर लो। ठीक है, SHE लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग? लास्ट लास्ट में उसको कट करके आप लिखेंगे THE, द। ठीक है, बुक में मिसप्रिंट हुआ है ये। तो ये क्या कह रहा है कि जब वो होल बना लेता है, फिर क्या करता है? वुड के जो छोटे छोटे बारीक टुकड़े होते हैं, उनको उस होल में रख लेता है, जिससे भर लेता है, जिससे जो उसका नेस्ट होता है वो बहुत ही आरामदायक हो जाता है। ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग सम वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। नाउ ओपन योर नोटबुक। रक्षित मैम साइड क्यों बोल रहे हो बेटा? क्या नहीं लिखा आपने अभी तक? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फोर। विच चैप्टर इज दिस? चैप्टर फोर स्टार्ट करिए। वर्ड मीनिंग शोर क्या होता है बेटा? क्या बताया था मैंने? समुद्र तट। ठीक है, शेल्टर्स। शेल्टर्स क्या होता है? आश्रय, रहने की जगह।
अब आप कहेंगे ये शहर ये आश्रय क्या होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, नेस्ट मीन्स तो सबको पता होगा ना बेटा, फिर भी मैं लिख देती हूँ। नेस्ट होता है क्या? घोंसला। ठीक है, ट्विग्स। ट्विग्स होता है टहनिया। ठीक है, टहनिया। पेबल्स यहां लिख रही हूं बेटा मैं। पेबल्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर। स्टोन मतलब भी पत्थर होता है, लेकिन पेबल्स छोटे छोटे पत्थरों को बोलते हैं जो कि मोस्टली समुद्र किनारे मिलते हैं। ठीक है बेटा, ट्रंक होता है पेड़ का तना। ट्रंक होता है तना। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। यू हैव टू लर्न एंड राइट योर सी डब्ल्यू, राइट योर एच डब्ल्यू नाउ। लर्न एंड राइट सी डब्ल्यू। जितना भी मैंने कराया है ना बेटा, दैट ऑल वर्क यू हैव टू डू। ओके, सारा काम आज आपको करना है, लर्न भी करना है, राइट भी करना है, एंड यू हैव टू लर्न दीज वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो। क्लियर टू यू? राइट एंड पास। That's all for today, guys. We will meet in next class. Till then, thank you. Have a good day.